हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ योर चैप्टर माय गुड राइट हैंड पोएम दैट हैज़ टू बी डन इन कंप्लीटेड डन इन विद इट्स एक्सप्लेनेशन इन अवर प्रीवियस वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी हैव टू बी डू द क्वेश्चन आंसर्स एंड आई एम ओरली डिक्टेट हियर ऑल द आंसर्स सो यू हैव टू बी नोट डाउन द आंसर्स इन योर नोटबुक्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड साउथ. इट्स करेक्ट आंसर इज ट्राई टू फाइंड. बी आंसर जो है इसका वो करेक्ट होगा. लेट देम गो द वर्ड दैम हेयर रिफर्स टू. यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि लेट देम गो, उन्हें जाने दीजिए. तो यहाँ पर जो दैम है उन्हें है वो किसे रिफर कर रहा है, तो इट्स इज फ्रेंड. वो अपने फ्रेंड्स को जो है कभी जाने के लिए बोल रहा है. तो कम टू द क्वेश्चन आंसर ऑफ 30 to 40 वर्ड्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड पोएट फेल इनटू ग्रीफ. कवि जो है वो ग्रीफ दुख में क्यों गिर जाता है या दुख की स्थिति में क्यों पहुंच जाता है. तो आंसर है द पोएट फेल इनटू ग्रीफ बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी. हिज सोरोस डिपेंड व्हेन ऑल हिज फियर वेयर द फ्रेंड्स डिजर्टेड हिम ऑल अलोन. ही कुड नॉट फाइंड इवन अ सिंगल फ्रेंड who could help him out of his poverty. Now the second question, why did the poet search for a friend proves a fruitless. कवि की जो एक अच्छा मित्र ढूंढने की तलाश थी वो क्यों निष्फल हो जाती है, उसे कोई अच्छा फ्रेंड क्यों नहीं मिलता है. It proved आंसर है इसका इट प्रूव फ्रूटलेस बिकॉज ऑल हिज फ्रेंड्स वर फेयर वेदर फ्रेंड्स. ही सर्च फॉर अ सच अ फ्रेंड हु कुड हेल्प हिम कम आउट ऑफ हिज पॉवर्टी बट नन ऑफ देम वॉज विलिंग टू हेल्प हिम. यानी कोई भी उसका फ्रेंड जो है वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता है. थर्ड क्वेश्चन है हु इज़ द फ्रेंड दैट कुड हेल्प एंड मेक द पोएट हैप्पी. कि वह कौन सा मित्र है जो कवि की सहायता कर सकता था और उसे प्रसन्न कर सकता था. तो आंसर है द पोएट सेज दैट वॉट एवर हैपन्स कि कुछ भी हो जाए देर इज़ अ फ्रेंड हु विल हेल्प हिम एंड मेक हिम हैप्पी. द फ्रेंड इज गॉड एंड द हार्ड वर्क टू बी डन बाय द पोएट हिमसेल्फ. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोएट फील डिसअपॉइंटेड. कवि जो है वो निराश क्यों हो जाता है. द पोएट वॉज डीप सॉरो ड्यू टू हिज पॉवर्टी सीइंग हिम इन मिजरेबल कंडीशन. ऑल हिज फ्रेंड्स डिजर्टेड हिम एंड ही लुक्ड फॉर अ ट्रू फ्रेंड हु कुड हेल्प हिम आउट बट ही फेल्ड सो ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ व्हाट वॉज द रिजल्ट ऑफ द पोएट्स हार्डवर्क. द आंसर इज द रिजल्ट ऑफ पोएट्स हार्डवर्क वॉज दैट ही कुड came out of his sorrow and pain which was due to his poverty. He got good food and clothes. Now he became rich. He learned to be self-dependent. Now come to the questions of in 60 words we have to be. First question, how did the poet overcome his sadness. कवि जो है वो अपनी sadness से अपने दुख से बाहर कैसे निकलता है. The poet was extremely sad due to his poverty. He searched for to find a true friend who could help him came out of his poverty. When he tried fail he stopped thinking about his friends. He gathered courage in himself. He decided firmly to believe in God and his own hard work. Thus, by working hard, he overcome his sadness. His hard work prove his true friend. The next question is, why does the poet not need a friend anymore? कवि को अब और मित्रों की आवश्यकता क्यों नहीं थी. When the poet was in very much trouble due to his poverty, all his friends deserted him all alone. Nobody helped him. He was disappointed. Then he gathered courage. He decided to believe in God and his own hard work. Due to his hard work, soon he became rich. Now those friends started coming back to him. But the poet does not need those friends anymore. It means कि उसे आप ऐसे मित्रों की ज़रूरत नहीं थी. थर्ड क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चंस में, व्हाट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम द पोएम. इस कविता से हमें जो है क्या इंस्पिरेशन मिलती है. तो इससे हमें इंस्पिरेशन जो है वो हमारे अबाउट द पोएट के अंदर दी हुई है जो कि हम यहाँ से ले सकते हैं. जिस तरह से द पोएट इंस्पायर्ड अस टू बिलीव इन गॉड एंड इन अवर हार्ड वर्क द पोएम करेज टू हार्ड वर्क. इट्स ऑल्सो टीच अस टू स्टे अवे फ्रॉम द फेयर वेदर फ्रेंड्स. अ ट्रू फ्रेंड इज वन हु फ्रेमली स्टैंड्स विद अस इन अवर बैड टाइम्स. वी कैन ओवरकम फ्रॉम अवर सोरोज जस्ट बाई वर्किंग हार्ड. सो द पोएट डिड अवर हार्ड वर्क इज अवर ट्रू फ्रेंड. वॉट विल नियर डेजर्ट अस. नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वन इज वॉट डज द गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट. ये किस चीज़ को व्यक्त करता है. माई गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट द पोएट्स ओन हार्ड वर्क एंड हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस. ड्यूरिंग द पोएट एडवर्सिटी ऑल हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम ऑल अलोन. नोबडी हेल्प हिम. देन ही रियलाइज दैट ही विल बी बिलीव इन ओनली गॉड एंड हिज हार्ड वर्क एंड इन हैपन्स सो
he overcome his sorrow and pain due to his good right hand. The next fifth question is, which are the two things that the poet puts his trust in? Explain. ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिनमें कवि अपना अविश्वास व्यक्त करता है? First one is God and the second one is hard work. The two things that the poet puts in his true trust in are good God and his own hard work. When the poet was in distress, he sought help from his friends, but it was went in vain. He realized that trusting other people is like building a castle on sand. Then he decided to trust only good things, God and his own hard work. So here our chapter is completed. Thank you so much.